नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में 19 आरोपियों को आजीवन कारावास। हिमांशु की मां ने की फांसी की मांग। जजमेंट के बाद गौरा चौकी गांव में पसरा सन्नाटा। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ हिमांशु का घर। दुमका भागलपुर मुख्य सड़क पर हाइवा ने ऑटो को मारी टक्कर। 3 कांवरिया की मौत, 5 की हालत गंभीर। डीएम प्रणव कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कर्मियों में मचा हड़कंप। और टीएमबीयू में कॉमर्स प्रश्न पत्र लीक मामले का जल्द होगा खुलासा। सिटी डीएसपी ने परीक्षा नियंत्रक से की पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को 2 वर्ष पूर्व हुए कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव निवासी क्रिकेटर हिमांशु यादव हत्याकांड मामले में एडीजे 5 दीपांकर पांडे की अदालत ने हत्या के 19 आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 20 जुलाई को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और गुरुवार को सजा सुनाई गई। एपीपी नरेश प्रसाद ने कहा कि मामले में चश्मदीद गवाह हिमांशु की मां जैलस देवी समेत 3 गवाह गुजरे और आरोपियों द्वारा घर में घुसकर हिमांशु की निर्दयतापूर्वक की गई हत्या को देखते हुए कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। एपीपी ने कहा कि प्रेम विवाह के कारण हिमांशु की पत्नी सोनी के पिता एवं परिजनों के साथ ग्रामीणों ने 5 जून 2017 को कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी गांव में हिमांशु की हत्या उसके घर में गोली मारकर कर दी थी, जबकि घटना के बाद से अब तक उसकी पत्नी सोनी का कुछ भी पता नहीं चल सका है। हिमांशु हत्याकांड में मां जैलस देवी के बयान पर 5 जून 2017 को कजरेली थाना में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी में 20 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। गुरुवार को 19 दोषियों को कोर्ट ने जहां सजा सुनाई, वहीं एक आरोपी विजय यादव की मौत पूर्व में ही हो चुकी है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों के परिजनों की आंखें नम हो गई और कोर्ट परिसर में मौजूद पुरुष, महिला एवं बच्चे फैसला सुनकर मायूस दिखाई दिए। फैसले के बाद पुलिस सुरक्षा में सभी 19 आरोपियों को जेल भेजा गया। हालांकि इस दौरान आरोपी जहां अपने परिजनों को ढाढ़स बंधाते दिखे, वहीं कई परिजनों ने फैसले के प्रति असंतोष व्यक्त किया और कहा कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है। इससे पूर्व दोपहर से ही परिजनों की भीड़ कोर्ट परिसर में जुटनी शुरू हो गई और सभी परिजन अदालत के फैसले का इंतजार करते रहे। हत्याकांड में शामिल आरोपियों में सोनी के पिता परमानंद यादव के अलावा सुनील यादव, मृत्युंजय यादव, सीताराम यादव, पक्को उर्फ प्रकाश यादव, सिपाही प्रताप यादव, अजब लाल यादव, गणेश यादव, अरुण यादव, कुशो यादव, गोकुल यादव, अशोक यादव, विवेक यादव, सुमन यादव, वरुण यादव, पंकज यादव, प्रकाश यादव, पुशो यादव एवं राजा यादव शामिल हैं। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेजा गया। नहीं, न्याय सही मिला। आज जो जितना आदमी दोषी पाया गया 19 आदमी था, इस केस में 19 आदमी था। 1900 आदमी को जो सजा पाया गया, सजा जो दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट, फुल जीवन भर का सजा दिया 302 / 149। अब एकदम दोषी को सही सजा मिला। जो एक आदमी मान लिया जाए कि ये प्रेम विवाह करता था, प्रेम विवाह कर करके वो एकदम कोई ऐसा, दोनों आदमी बालिग था, लड़की भी जो सोनी कुमारी वो भी बालिग था, हिमांशु वो भी बालिग था, उसको गांव वाला का नगाभार लगा इस बात को लेकर करके। इतना बड़ा सब आदमी मिल करके जैलेस देवी उसकी माँ को जख्मी किया और हिमांशु को जो जा करके 1900 आदमी जा करके 20 आदमी था, हालांकि एक आदमी मर गया और 1900 आदमी को जो सजा तक मिला। सही चीज समाज से छिपता नहीं। आप उस दिन थे जिस दिन ये घटना घटित हुई? नहीं, आप नहीं थे। नहीं थे। तो आप कैसे कहते हैं कि हम इससे यहाँ सहमत नहीं है इस फैसले? इसलिए कि सारी व्यवस्था से जानकारी हुआ। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है न्यायालय पे? नहीं, ये फैसला से भरोसा नहीं है।
न्यायालय से कहने भरोसा रहेगा। हिमांशु हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद हिमांशु की मां जैलस देवी फैसले से निराश दिखी और कहा कि कोर्ट इन सभी दोषियों को फांसी की सजा देता या इन सभी को बरी कर देता। उन्होंने कहा कि प्रेम विवाह के कारण पुत्र की क्रूरतापूर्वक की गई हत्या के लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, जबकि हिमांशु के भाई ने कहा कि उसकी भाभी सोनी देवी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है और इसकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही आरोपियों द्वारा सोनी की हत्या की आशंका व्यक्त की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमांशु के गाँव गौरा चौकी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। किसी भी तरह की घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से हिमांशु के घर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं जजमेंट आने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम चाहते हैं फांसी का सजा उम्र कैद होना चाहिए सातवों को, लेकिन उम्र कैद कहाँ हुआ है? बोलता है छुट्टी है जाएगा 14 साल में। मित्तो यादव है, पंकज यादव है, अरुण यादव है, गोकुल यादव है। हम आगे चाहते हैं कि उन लोग को एकदम फांसी सजा होना चाहिए, तब तो हमको संतुष्ट होगा। वो ठीक दिए, लेकिन 5-6 को जो है ना फांसी की सजा होना चाहिए। बहुत बड़ा घटना की है ये सब, जो भी दिया कोर्ट तो ठीक ही दिए। मेरा नाम अभिनाश कुमार हुआ, नौ आरोपी में एक है पुशो यादव, गोकुल यादव, अरुण यादव, सुमन यादव, वरुण यादव, विवेक यादव, मित्तो यादव, इस सबको फांसी की सजा होना चाहिए 8-9 को। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग बनियारा गांव के समीप बुधवार की देर शाम हाइवा और ऑटो के टक्कर में 3 कांवरिया की मौत हो गई, जबकि 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज सरैयाहाट अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कांवरिया वासुकीनाथ धाम से पूजा कर ऑटो से पूर्णिया टीकापट्टी गाँव लौट रहे थे। मृतकों की पहचान आर्मी जवान तरुण कुमार मंडल, सुभाष मंडल और अनिल मंडल के रूप में हुई है। वहीं बनियारा गाँव के समीप तेज रफ्तार हाइवा ने ऑटो को टक्कर मार दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कई कांवरियों के शरीर कटकर अलग हो गया। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और डीडीसी सुनील कुमार गुरुवार को जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां डीएम ने प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सरकार द्वारा पंचायतों में चलाई जा रही योजनाओं के फाइलों की जाँच की और क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने सभी विभाग के कर्मियों को समय पर कार्य निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। जगदीशपुर में लगने वाले जाम को लेकर डीएम ने कहा कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही लोगों को जाम से राहत मिलेगा। निरीक्षण के दौरान डीडीसी सुनील कुमार मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी कॉमर्स प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। गुरुवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों से मामले की जानकारी ली और कई दस्तावेजों को खंगाला। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले का सुपरविजन पूरा कर लिया गया है और जल्द ही हेराफेरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 28 जून को बीकॉम पार्ट 3 की परीक्षा होनी थी, लेकिन इसके पूर्व ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जाँच कमेटी गठित कर विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज कराया था। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे वृक्षारोपण सप्ताह के तहत नवगछिया व्यवहार न्यायालय पहुंचे। जिला जज ने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रवाल दत्ता, नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 सुजीत कुमार सिंह, एडीजे 3 अमितव्य चौधरी, एडीजे 4 देवानंद मणि त्रिपाठी, ACJM 1 NP सिंह, ACJM 3 अभिषेक सहाय समेत कई न्यायिक पदाधिकारी ने पौधे लगाए। इससे पूर्व जिला जज ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया और शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई व्यवस्था का सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। मौके पर कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। कहलगांव से पड़ाव संघ के नेतृत्व में 3,000 कांवरियों का जत्था बाबा वासुकीनाथ धाम रवाना हुआ। पंडित आचार्य प्यारेलाल शुक्ल की अगुवाई में बनारस से आए पंडितों की टीम के द्वारा पूरे विधि विधान से कांवर आरती, कांवर भजन का अनुष्ठान कराया गया। कानपुर से आए नाटिका टीम के कलाकारों ने कांवरियों को भक्ति गानों पर झूमने को मजबूर कर दिया। कांवरियों की टोली में पड़ाव संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई शिव भक्त मौजूद थे। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड स्थित डुमरिया मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं ने घटिया मिड डे मील भोजन को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने बिना दाल और हल्दी के खिचड़ी देने और सप्ताह में मीनू के अनुसार भोजन नहीं देने की शिकायत की। छात्रों ने बताया कि मिड डे मील में कई बार कीड़े निकलते हैं और इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक रुदल रजक पर एमडीएम में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी कई बार प्रधानाध्यापक पर गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं देने और लापरवाही करने का आरोप लग चुका है, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। विद्यालय की सचिव ने कहा कि प्रधानाध्यापक राशि निकासी से पूर्व सादे फॉर्म पर हस्ताक्षर कराते हैं, जबकि प्रधानाध्यापक ने रसोईया को जिम्मेदार बताया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लॉ परीक्षा में कदाचार के विरोध का मामला मारपीट के बाद थाना पहुंच गया है। अधिवक्ता सौरभ झा और लॉ छात्र बजरंग विहारी ने जोगसर थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक तरफ जहां टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र बजरंग बिहारी ने सौरभ झा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, वहीं अधिवक्ता सौरभ झा ने कहा कि 23 जुलाई को व्यवहार न्यायालय के सामने बजरंग बिहारी ने पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 10-15 की संख्या में अज्ञात अपराधी और असामाजिक तत्व जो है खड़े थे, जिसमें एक लड़के को मैं पहचान रहा हूँ, बजरंग बिहार। वो आया और कहा कि जो है तुम लोग कैसे जीत केस लड़ रहे हो, और हमने जो है इसका लिखित शिकायत जो संबंधित थाना है, जोगसर थाना ओपी जो भी है, उसमें हमने अपना लिखित शिकायत दिया है। और मैं बहुत ही भयभीत हूँ यह सोचकर कि हमें इसी परिसर में रहना है और इस परिसर में बहुत सारे अधिवक्तागण हैं। आज मेरे ऊपर हमला हुआ है, कल दूसरे के ऊपर हमला होगा, और इस तरह से जो है हम लोग बहुत भयभीत हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी अधिवक्तागण का जो है सुरक्षा का जिम्मा ले, और सभी को जो है भय के जो माहौल पैदा हो चुका है अभी परिसर में, उससे मुक्त कराए। स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत अभियान को लेकर भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई।
रैली में शामिल एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मारवाड़ी महाविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में साफ सफाई अभियान चलाया। इससे पूर्व छात्र छात्राओं ने रविंद्र भवन के आसपास भी सफाई की और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर एनएसएस के मृत्युंजय कुमार, सूरज कुमार, मुस्कान नेहा समेत कई छात्र मौजूद थे। प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल परिसर में शव रख कर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर एवं नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौके पर डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर विकास मलिक ने पत्नी गुड़िया देवी को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान अस्पताल की नर्स ने बेहतर इलाज के लिए गुड़िया देवी को निजी क्लिनिक ले गई, जहां महिला ने बुधवार को शिशु को जन्म दिया और कुछ ही देर बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ आशीष नारायण एवं डीसीएलआर ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद मामला शांत हुआ। भागलपुर डीएन सिंह रोड स्थित क्रिएशन ट्रेडिंग सेंटर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में बिहार का सर्वश्रेष्ठ केंद्र बन गया है। इसको लेकर विश्व कौशल दिवस पर क्रिएशन की संचालिका मेघा झुंझुनवाला को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यपाल लालजी टंडन की उपस्थिति में सम्मानित भी कर चुके हैं। क्रिएशन के उत्तम झुंझुनवाला ने बताया कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लगभग 200 से अधिक छात्र छात्रा को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है, जबकि कई छात्र नामचीन कंपनियों में कार्यरत हैं। सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और डीआईजी विकास वैभव समेत कई गणमान्य व्यक्ति क्रिएशन के कार्यों की प्रशंसा कर चुके हैं। क्रिएशन की शुरुआत हमने दिसंबर 2016 से की थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोग्राम कुशल युवा प्रोग्राम आया था, जिसमें अलग अलग कोर्सेस CIT, CLS और CSS, जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और संवाद कौशल बताया जाता है, तब हमने क्रिएशंस की शुरुआत की थी दिसंबर 2016 में। और अब तक हमने 400 से ऊपर युवक युवतियों को ये प्रशिक्षण दे दिया है, और जिसमें से 150 से ऊपर छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता की है। बांका कटोरिया प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय करझोसा में प्रभारी प्रधानाध्यापक बैकुंठ मंडल CRCC हरीश कुमार मधुकर के मिली भगत से विद्यालय के MDM में घोटाला किया जा रहा है। MDM के नाम पर स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन के पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। 18 जुलाई को नियोजित शिक्षक के सामूहिक अवकाश के बाद भी प्रभारी प्रधानाध्यापक ने MDM की वितरण पंजी में 70 ऐसे बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई जो बच्चे 18 जुलाई को विद्यालय नहीं आए थे। इस पूरे मामले पर जब प्रधानाध्यापक बैकुंठ मंडल से पूछा गया तो गोलमटोल जवाब दिया। वहीं CRCC हरीश कुमार मधुकर पूरे मामले पर बचते रहे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में 19 आरोपियों को आजीवन कारावास, हिमांशु की मां ने की फांसी की मांग। जजमेंट के बाद गौरा चौकी गांव में पसरा सन्नाटा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ हिमांशु का घर। दुमका भागलपुर मुख्य सड़क पर हाइवा ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 कांवरिया की मौत, 5 की हालत गंभीर। डीएम प्रणव कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कर्मियों में मचा हड़कंप। और TMBU में कॉमर्स प्रश्न पत्र लीक मामले का जल्द होगा खुलासा, CTDSP ने परीक्षा नियंत्रक से की पूछताछ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।